हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। और पीछे आप देख सकते हैं मेरे क्यूकम्बर का पेड़। चना, आलू, बादाम, यह खीरा कटा हुआ और टमाटर बारीक कटा हुआ, कच्चा मिर्च, यह धनिया, जीरा, गोलमिर्च और सूखा मिर्च, और ये तेतुल को भिगो के रखा गया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं आपको आलू कटा बनाने में। पहले हम तब मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला में आपका लगेगा 2 सूखा मिर्च, जीरा। पहले इन दोनों को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, क्योंकि धनिया तो बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है ना, इसीलिए पहले फिर देंगे थोड़ा सा धनिया और गोल मिर्च, 4-5 गोल मिर्च। अब अच्छे से इसको हल्का भून लेंगे, थोड़ा गंध आ जाएगा मसाले का, तब इसको बाहर निकालेंगे। अब देंगे बारीक कटा हुआ आलू, चना, टमाटर, जितने सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके देंगे। फिर कच्चा मिर्च, बादाम देने से बहुत ही टेस्ट आ जाता है, थोड़ा खीरा बारीक कटा हुआ, बादाम, आप घर पे ऐसा आलू कटा बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और तेतुल, और ये फ्राई किया हुआ मसाला को अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है, सिल बट्टे पे ही आप पीस सकते हैं, उसे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में मिल जाए। अब इसमें देंगे 1 टेबल से थोड़ा सा कम नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से फिर मिक्स कर देंगे। आपको ये रेसिपी कैसा लगा प्लीज़।